इस गाड़ी को ना मैं करीबन 21 दिनों से ड्राइव कर रहा हूँ और 21 दिन मैंने ऐसे ड्राइव नहीं किया है। पहले 7 दिन मैंने पिछले एक महीने में ड्राइव की थी जब मैंने मंगाई थी, फिर बीच में एक और 7 एक दिन आई थी, अब दोबारा से 7 एक दिन ही आ रखी है गाड़ी। और करीबन 2000 किलोमीटर मैंने ये गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ टोटल इन 21 दिनों की मैं लगाऊँ तो। आज की वीडियो में बताऊँगा इन 21 दिनों में 2000 किलोमीटर चलाने के बाद में मुझे इस गाड़ी के अंदर में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। सबसे जो मेन चीज़ अब लोग बाग मतलब कंसीडर करने लग गए हैं वो है गाड़ियों की सेफ्टी। हेक्टर के अंदर में बहुत तगड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है। अभी कुछ दिन पहले ना एक बस से इस गाड़ी का ओवर स्पीडिंग बस आ रही थी, सीधा कोल्यूजन हुआ था। वहाँ पर भी जो गाड़ी के अंदर में सारे बैठे थे वो बिल्कुल सेफ थे। एक और एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर के साथ में, वहाँ पर भी इस गाड़ी के अंदर में जो सारे बैठे थे ना बिल्कुल सेफ थे। टेस्ट रेटिंग जो है इस गाड़ी की नहीं आई है, पर हाँ सेफ्टी जो है इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जो गाड़ियों को धोता है ना, जैसे मान लो भाई मैं अपनी सारी गाड़ियाँ धोता हूँ, मैं अपनी एक दूसरी गाड़ी धोता हूँ सलेरियो और इसको धोता हूँ, तो मेरे को साफ पता चल जाता है, मेरे को धोने से ही पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर में जो मतलब मजबूती है लोहा लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। एनकैप टेस्ट तो देखो मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसे दबा दबोक के तो कोई टेस्ट नहीं होता, पर हाँ फील मेरे को आ जाती है ज़रूर। इस गाड़ी के साथ ना मैंने सारे टेस्ट कर लिए, देखो खूब तो तेज़ मैंने भगा लिया इसको, हाईवे पे चला लिया, ऑफ रोड भी मैंने इससे चला लिया। अब ऑफ रोड चलाने का मतलब ये नहीं है कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, देखो है तो ये 4x2 ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है, पर हाँ आपके कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जहाँ आपको इस गाड़ी को ऑफ रोड ले जाना पड़े ना, तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये गाड़ी दे देती है, बेशक आगे से हो या बीच में से हो। जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है इस गाड़ी के अंदर में, और पावर की भी कहीं भी कमी महसूस नहीं होती है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर में मिल जाती है। पेट्रोल में जो ये गाड़ी मुझे माइलेज दे रही है सीवीटी के साथ है, भाई देखो मैं भगाने वाला बंदा नहीं हूँ, तो मेरे को ये 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आराम से निकाल के दे रही है। और जो डीजल इंजन आता है इस गाड़ी का वो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा, वो 2 लीटर का आएगा, और जो पेट्रोल था 1.5 लीटर का था। तो डीजल इंजन में इस गाड़ी के अंदर में कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा ही माइलेज मिलेगी, जाहिर सी बात है। अब इस गाड़ी के अंदर में जो फीचर्स दे रखे हैं ना भाई भर भर के दे रखे हैं, उनका एक चीज़ मुझे इसके अंदर हल्की सी नेगेटिव लगी है वो है इसकी टच स्क्रीन की। जो गाड़ी के अंदर में टच स्क्रीन दे रखी है ना वो यार उसी के अंदर में सारे फीचर्स दे दिए, ये देखो जैसे टच स्क्रीन दे दी, अब इसी के अंदर में ही सब कुछ है। वॉल्यूम के लिए कहीं कोई नॉब नहीं है, सिर्फ एक बटन दे रखा है, जैसे आप एसी को हवा को मंदी तेज करना चाहते हो तो वो भी सब कुछ इसी के अंदर में दे रखा है। देखो मैं चला रहा हूँ तो ठीक है मैं समझ लूँगा भाई अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे जो बड़ी एज के बंदे ना पापा की उम्र के हो गए वो इस गाड़ी को चला रहे हैं तो उनको भाई थोड़ा सा देखो उलझन आती है इस चीज़ में, पर टाइम के साथ साथ में उस चीज़ में भी जो है ये अडेप्ट हो जाएंगे। जो इस गाड़ी की बैठने की पोजिशन है, बेसिक आपकी ड्राइवर वाली हो से बेसिक से पैसेंजर वाली हो, बिल्कुल कमांडिंग सी पोजीशन यहाँ पे मिलती है, पूरा बोनट दिखता है, विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, ORVM साइड विंडो सब जगह से एक नंबर का व्यू आता है। और भाई इस गाड़ी के अंदर में जो सस्पेंशन दे रखे हैं ना, एक तो देखो जो बॉडी रोल है गाड़ी के अंदर में नहीं है, और धचकियों में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, बिल्कुल प्यार से जो है गाड़ी निकलती है। ब्रेकिंग इस गाड़ी की एक नंबर की है, एडास भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, Level 2 फीचर्स जो है इस गाड़ी के अंदर में आते हैं। एडास देखो मैंने इतना कोई यूज़ नहीं किया है, बाकी शुरुआत का एक चाव रहता है एडास का। और जो कैमरे की क्वालिटी है ना इसकी, ऐसे लगता है बिल्कुल मतलब फोटो खींच लो, इतनी तगड़ी कैमरे क्वालिटी गाड़ी के अंदर मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ भी दे रखी है, बिल्कुल बढ़िया। देखो 60 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब इसके कंपैरिजन में जो भी गाड़ी आती है ना उनके अंदर में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी कम आती है, ना तो उनके अंदर में ये पावर टेलगेट मिलती है, और जो बूट स्पेस है वो भी गाड़ी के अंदर में कंपैरिजन में जो गाड़ियाँ आती है उनके अंदर में कम मिलता है, पर इसके अंदर में बहुत तगड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। और जो पार्सल ट्रे है वो फ्लैप वाली मिल जाती है, वो आपको दिखा दूंगा, वो फिलहाल मैंने हटा रखी है। सब वूफर भी जो गाड़ी के अंदर में मिल जाता है, और जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी में नीचे की तरफ में दिया हुआ है। बूट लैम्प भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। सही है यार, बूट स्पेस तो मेरे को गाड़ी को बहुत अच्छा लगा। और सेकंड रो की जो सीट है ना उसमें एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये चीज़ तो ना भाई मेरी मम्मी ने भी कही थी जितनी भी बैठे वो ऐसे बोली कि जो इस गाड़ी का फ्लोर है भाई बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट दिया गया है, तो गाड़ी के अंदर में जो भी बैठता है ना, मतलब एक तो देखो बैठना और उतरना इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो इसका फ्लोर है ना ये उठा नहीं हुआ है, इस वजह से इसकी जो ये चीज़ है मेरे को बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी है भाई। जो मतलब मैंने अपने दोस्तों से भी गाड़ी चलाई, उनको भी बोले यार इस गाड़ी में क्या चीज़ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा इस गाड़ी से उतरना और बैठना क्यों आसान हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उठा नहीं हुआ है, जिसमें उठा रहता है ना उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। और रेक्लाइनिंग एंगल
तगड़े वाला रेक्लाइनिंग एंगल है, नी रूम लेग रूम भाई को कमी नहीं है, बिल्कुल आराम से बड़ी कंफर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी की सेकंड रो की। कंफर्ट के मामले में तो वैसे आगे हो चाहे पीछे हो बहुत तगड़े हैं, और जो स्पीकर हैं इसके अंदर में इन्फिनिटी वाले दे रखे हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अपनी स्कॉर्पियो में भी सुनता हूँ भाई मैं, स्पीकर्स पर जो इनकी क्वालिटी है ना एक नंबर की मेरे को लगी है। गाड़ी के अंदर में ना एक ये भी बड़ा तगड़ा सा फीचर है, जैसे मान लो मैंने गाड़ी अब बंद कर दी भाई, मैं जा रहा हूँ, चाबी मेरे पास ही है ना, चाबी ना मैंने लॉक नहीं किया भाई इसको, ये मेरी गाड़ी अपने आप ही लॉक हो गई। वैसे कि मैं इसका कोई सा डोर खोल लूँ कोई सा बंद कर लूँ, अब जैसे मैं गाड़ी के पास आऊँगा ना मेरी गाड़ी अपने आप ही खुल जाएगी। ये फीचर भाई एक नंबर का मेरे को लगा है। अब मेरे को पता नहीं है क्यों दे दिया रिक्वेस्ट सेंसर, जब ये फीचर देना ही था। दो गाड़ी के इंटीरियर में जो क्वालिटी दे रखी है ना, बेशक वो प्लास्टिक हो या फिर जो इसके गैप्स हो, एक नंबर के कर रखे। देखो ये वाली चीज़ देख लो आप, अधिकतर गाड़ियों में क्या रहता है ये वाले गैप भी ढंग से नहीं होते, पर इसके अंदर देखो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक में हर एक गैप बिल्कुल अच्छे से है। यहाँ ऊपर की तरफ में गाड़ी में सॉफ्ट टच दिया हुआ है, मतलब प्रीमियम सी लगती है यार ये गाड़ी, बिल्कुल मज़ा सा आता है गाड़ी को। स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की पोजीशन बिल्कुल बढ़िया है, स्टीयरिंग व्हील का साइज़ भी बिल्कुल अच्छा है। बस एक टच स्क्रीन जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ इसके अंदर में एसी के लिए एक ज़रूर होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अब ना भाई इस गाड़ी के अंदर में एक और चीज़ है, जैसे जिस साइड में स्टीयरिंग व्हील मोड़ूंगा ना उस साइड में इंडिकेटर देती है, तो ये चीज़ मुझे इतनी मतलब वर्थ सी नहीं लगी इस चीज़ को। मतलब ये फीचर डाला ना, इस फीचर की जगह कुछ और डाल देते, हटा ही देते तो कुछ तो कॉस्ट बचती, तो ये चीज़ इतनी मतलब सही नहीं लगी। अब देखो इस साइड मोड़ना मेरे को, या तो पहले ही देना स्टार्ट करें, पर यूँ है फिर मेरे को कैसे पड़ती है अरे गाड़ी में किस साइड मोड़ना चाहता हूँ किस साइड नहीं मोड़ना चाहता। जिस साइड में मोड़ूंगा ना उस साइड में ये करता ही रहेगा। और जैसे मान लो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, देखो मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, अब जैसे मैं डोर खोलूंगा ना तो हैजार्ड लैंप जो है इस गाड़ी के ऑन हो जाते हैं, तो ये चीज़ तो देखो ठीक लगी मेरे को। अब इस गाड़ी के अंदर में जो गियर शिफ्टिंग है ना इतनी तगड़ी है ना, इतनी तगड़ी है मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल भी तो भाई पता ही नहीं चलता कम में गियर शिफ्ट हो रहे हैं, इतना तगड़ा गियर शिफ्टिंग दे रखे है ना, मज़ा आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील का रेस्पॉन्स भी भाई बिल्कुल अच्छा है। तो भाई ये गाड़ी ना हमारे घर में सबने हमने चलाई है, मैंने, पापा ने, मेरे दोस्त ने, सबने चलाई है। मतलब सबसे बेस्ट चीज़ जो थी ना वो है इसका सीटिंग का, बैठने का सबसे बेस्ट चीज़ है। और जो दूसरी इसकी बेस्ट चीज़ लगी है वो जब इसका पास आ गए वो गेट के खुल जाए ना, अनलॉक हो जाए, दूसरी चीज़ या उन्हें सबसे बढ़िया लगी है। और एक और चीज बता, जैसे तूने ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में भी चलाई थी? हाँ, चलाई है। नहीं चलाई थी, मैंने चलाई है, बनाई थी। हाँ, है ना। हाँ, मैंने तो बाहर से देख के एक्सपीरियंस ले लिया, मैं ग्राउंड क्लियरेंस ठीक था, पावर ना थी, तर तो बाद में फीडबैक ले लिया। हाँ, ये तू बता तूने कैसा महसूस हुआ कि तूने अच्छी लगी या बुरी लगी उस वक्त में? भाई देख ऑफ रोडिंग मैंने गाड़ी तो करी, गाड़ी बढ़िया थी, कोई दिक्कत ना थी। बट अगर आप पहाड़ पूड़ पे चढ़ा रहा हो ना तो ऑटोमेटिक कामयाब ना है, क्योंकि ऑटोमेटिक में की है एकदम रेस देती चल देगी, और वह कई बार हाफ क्लिच में चलानी पड़े, तो यह चीज अच्छी ना लगी मुझे। वह तो कोई भी गाड़ी हो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो कोई भी हो, वह ऑफ रोडिंग खतर ना बने करें, तो यह मतलब मैंने डर ना लगा था कि कहीं भी टिक जाएगी। दूसरी चीज यह, एक तो टिकन को कोई दिक्कत ना थी, और यह तूने भी देखी थी भाई पहाड़ा पे पूरी बढ़िया तरीके से चढ़ गई थी, ऐसी कोई दिक्कत ही ना आई है। मैं महसूस आई कि 1.5 लीटर का इंजन है, अंडर पावर है, पावर ना 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 कती भी महसूस ना आई। यही चीज मेरे आज तक समझ में ना आई कि 1.5 लीटर भी बढ़िया पावर दे दे है और 2 लीटर भी दे दे है, वो कैसे कर रहा है कंपनी अपना आप के लगा रही है इंजना में, वह समझते पर है मेरे, पर कोई दिक्कत ना। और जो गियर शिफ्टिंग है ना भाई, मतलब चलाने जी कर रहा है यह गाड़ी। हाँ की हाँ अच्छी है, चलाने में मजा आऊगा। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग तो यार ऑब्वियसली बात है मस्त है, कि ब्रेकिंग में तो कोई दिक्कत है ही ना। और जो पीछे वाली सीट को कंफर्ट है भाई, वो तो तूने बेरो योग मम्मी कह रही थी नंबर का, भाई पीछे वाली तो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। और दूसरी चीज अगर आपने सबसे बड़ी चीज की है, मैं 5 फुट 7 इंच 0.5 ऊपर नीचे लगा लो, सीट फ्लैट कर दे और लौट जा। और हमने कुछ गाड़ी में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करा है, बता ना सके वीडियो में, वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। पर वह चीज जो हमने करी है ना भाई मस्त है, कैपेबल। कैंपिंग भी भाई हमने इस गाड़ी तक कर ली। अरे कैंपिंग तो एक अलग चीज हो जाए, हम बस समझ जाओ, हम कैंपिंग कर ली, हमने कर ली, हाईवे पे हमने चला ली। दो आदमी अगर इसमें सोवे ना तो आराम से सो सके, और बल्कि फ्लैट हो जाए कती, तो यह चीज बढ़िया है। और जो इसकी एक चीज है भाई, वह लोगों पे आप सब पे अपनी अपनी डिपेंड करे, मैं इसका एडास में कोई खास जरूरत ना नजर आई। यह गाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, एडास की मैंने कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ पहली मेरे एक चुल थी कि सनरूफ होनी चाहिए, सनरूफ होनी चाहिए,
वो अभी मेरी मिट गई है, तो जब तक स्कॉर्पियन ली उसके बाद तब चुल मिट गई, तो मुझे सनरूफ की भी कोई खास नजर ना आ जरूरत, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस ही रहे भाई। एडास का ना भाई ऐसा है कि यार यहाँ का रोड ना है यार ये चला वेन्यू ले रहा था, तो वो यूं कहते हैं इसमें एडास आ गया, अब मैं ले हूं ना ले हूं, मग भाई स्नोफ कर दे तो मतलब दो दिन का ही चाव रहता है एडास का। और सब तो एक और चीज इसमें बढ़िया है, ठीक है दे दिया फीचर दे दिया बढ़िया, धुंध में जा रहे हो तो अपने आप मतलब ज्यादा धुंध हो रही है यार, दिक्कत आए तो अपना ब्रेकिंग लगा, ब्रेकिंग तो लगा देगी अपने आप। देखी तो थी सदर बाजार में भाई ये गाड़ी लग गई थी पीछे से, i10 में लगी थी, पूरा फेंडर मुड़ गया उसका अरे इसका कुछ इतनी भी स्क्रैच नहीं है इस गाड़ी का, हमारी खूब बहस हुई थी, आज तक पुलिस वाले फोन आ रहे, मैंने कंप्लेंट कर दी थी, वो बहस कर रहे थे, तो भाई फेंडर मुड़ गया पूरी गाड़ी का, इस पर इतनी भी स्क्रैच नहीं, सदर बाजार में घुसा दी थी हमने गाड़ी, तगड़ा काम भाई, बढ़िया है गाड़ी, देखो ओवरऑल बढ़िया है। अगर आप नू ना करो कि देश की गाड़ी करे भाई, मैं ये की बात यार जरूर कहनी चाहूंगा, मेरे साथ यह हुई है, देश की गाड़ी करे, महिंद्रा देश की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया गाड़ी बना रही है नो डाउट, बट दुनिया ने फुद्दू काट रही है इंट्रोडक्टरी कह के, गाड़ियां ने सिर्फ हाइप बना के गाड़ी दे रही है, गाड़ी हर जगह अवेलेबल हो जाए, सिर्फ एसेसरीज बेचनी है और ब्लैक में पैसा कमाना है, मानो चाहे मत मानो, कहीं ने बुरी लगे तो भी भलो, मेरे को ना लगे तो भी भलो, ये गाड़ी की है आपने मिल जाएगी, हम लोगों ने ही हाइप बढ़ाई है उन गाड़िया की, हाइप बढ़ा दी, मैं आईफोन देख ले, आईफोन की हमने बढ़ा दी, 15 प्रो 135,000 फोन का दे रहा भाई, 200 कुट्टी आ जाएगी, ऊपर अबर में चलाऊंगा कमा के देगी, बाकी सब की हाइप बढ़ा दी इनने। और सबसे खराब चीज की है यार, अपना देश की कंपनी होकर अपना देश का लोगों ने मतलब खसुटने की कोशिश कर रहे हैं वे। तो गाइस ठीक है यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना।